आज भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी जनता को जवाब दें कि उनके पास ऐसे और कितने सांसद हैं जो जनता का पैसा अपने पास जमाखोरी कर बैठे हैं। कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार की खुलती पोल पर गांधी परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष की चुप्पी ये बताती है कि कांग्रेसियों द्वारा गांधी परिवार की शाह पर भ्रष्टाचार किया जाता है। झारखंड के बहाने कांग्रेस पर वीडी शर्मा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 200 करोड़ से अधिक की नकद राशि बरामद हुई है और जाँच अभी भी जारी है। देश की जनता के सामने कांग्रेस का मूल चरित्र उजागर हो रहा है। वहीं सीएम फेस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व उचित निर्णय लेगा। नेतृत्व का फैसला सबको स्वीकार होगा। सुबह सोमवार को पर्यवेक्षक भोपाल आएंगे और शाम 4 बजे बैठक होगी। विधायकों को बैठक की सूचना दी गई। क्या है उसकी पाई पाई तो लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। ऐसे लोग नहीं बचेंगे। जनता से लूटा हुआ पैसा लौटाना तो पड़ेगा ही, और जो अपराध किया है उस अपराध के लिए आपको जेल भी जाना पड़ेगा। और ऐसे अपराधी इस प्रकार के भ्रष्टाचारी देश के अंदर नहीं बचेंगे। इसमें मोदी जी की गारंटी है कि बेईमानों से पाई पाई वसूलने की गारंटी। आज इस देश के अंदर एक तरफ घटिया गठबंधन या भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, लूट खसोट और दलाली की गारंटी है, तो दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर एक कांग्रेसी सांसद के पास 210 करोड़ की नकदी पकड़ी गई, जो बाकी सभी कांग्रेस सांसदों के पास कितनी नकदी होगी, इस हिसाब से तो गांधी परिवार विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार साबित होता है। राहुल गांधी ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं कांग्रेस में जो जनता से लूटने लगे हैं, लेकिन जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब किताब हर रोज लिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश में लगाएंगे। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़ और गिनती जारी है। मोहब्बत की दुकान के पैकेजी के तौर पर पैकेजी के गले में 200 करोड़ के नोट मिले हैं, खूब बिक्री हुई है। लगता है सारी मोहब्बत कुछ यूं ही बिक गई। कभी पास में सिर्फ हिंदुत्व और सनातन से नफरत बची है। कांग्रेस के हलाकमान और गांधी खानदान को देश को यह बताना होगा कि उनके जिस सांसद के 10 ठिकानों से जो 200 करोड़ रुपए बरामद हुए, ये कांग्रेस नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था। अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी तान रखी है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर के कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का ये नेता आज भ्रष्टाचारी के तौर पर उभरा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी लोग थे, श्रीमान भट्टाधार, दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के बारे में तो यहां उन्हीं मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा माफिया,